गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे 2 मई ऑफ 2020। टुडे माय टॉपिक इज कंपेयरिंग 3-digit number। दिस वीडियो फॉर क्लास 2, सब्जेक्ट मैथ। कंपेयरिंग 3-digit number, आज हमें 3-digit के नंबर को कंपेयर करना है, सीखना है। 1-digit के नंबर से भी कंपेयर करेंगे और 3-digit के नंबर से भी कंपेयर करेंगे। तो देखिए हम कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर 3-digit number यूजिंग सिंबल एंड वर्ड्स। जब हम किसी नंबर का नंबर को कंपेयर करते हैं और करना सीखते हैं, तो उसे कंपेयर करने के लिए हमें सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। सिंबल आप लोगों को पता है, मोर देन, लेस देन और इक्वल, बड़ा, छोटा और बराबर, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। तो बिना सिंबल का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंपेयर कैसे करेंगे। व्हेन एवर वी कंपेयर 2-digit number और 3-digit numbers, वी डू इट बाय प्लेसिंग ऑन द लेफ्ट। अब देखिए हम यहाँ पे कंपेयर इस तरह से करते हैं। एग्जांपल के लिए कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं 3-digit का। तो हमने यहाँ पे लिया है 236। मेरा जो यहाँ पे डिजिट है वो है 236। उसको हम कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट नंबर है मेरा 248। तो इसको हम कंपेयर कैसे करेंगे? पहले इसके लिए हमें, देखिए हमने यहाँ पे 100, 10s और 1s लिख दिया है दोनों तरफ से, 100, 10s और 1s। 100 के 10s पे पहला जो नंबर हमने लिया है, फर्स्ट नंबर जो हमने लिया है वो है 236। तो 100 के प्लेस पे 2 है, 10s के प्लेस पे 3 है और 1s के प्लेस पे 6 है। इसी तरह से मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 248। तो हमने यहाँ पे 100 के प्लेस पे 2 लिखा है, 10s के प्लेस पे 4 लिखा है और 1s के प्लेस पे 8 लिखा है। तो दोनों नंबर को हम पहले अलग कर लिए हैं, 100, 10s और 1s में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, पहले 100 वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो देखिए 100 वाला जो डिजिट है वो सेम है, यहाँ पे भी 100 के प्लेस पे 2 है, यहाँ पे भी 100 के प्लेस पे 2 है। टेंस के प्लेस पे जो नंबर है वो है 3, पहले नंबर में। तो यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 3 है और यहाँ पे टेंस के प्लेस पे 4 है। तो 3 4 से छोटा होता है, 3 is less than 4। नेक्स्ट मेरा है 1s के प्लेस पे, जो पहले मैं पहला नंबर हमने लिखा है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। 6 is less than 8, मतलब 6 8 से छोटा है। तो हम इस तरह से कंपेयर करेंगे, बड़ा और छोटा पहले देख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया 100 प्लेस के जो नंबर्स हैं वो सेम हैं, 10s प्लेस के नंबर जो हैं वो सेम नहीं हैं, वो बड़े और छोटे हैं। 3 से 4 बड़ा है, 4 is more than 3, 3 is less than 4, 6 is less than 8, 8 is more than 6। यहाँ पे जो है नंबर वो 3 जो है 4 से छोटा है और 6 8 से छोटा है। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे, लिखेंगे इस तरह से और पढ़ेंगे इस तरह से, 248 is more than 236। तो कंपेयर हम इस तरह से नंबर को करेंगे। नंबर कंपेयर करना बच्चों आपने सीख लिया। हम कोई भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर जो हम लेंगे उसका जो हम प्लेस वैल्यू उसका जो हम उसको जो हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए हमें एक दूसरा नंबर भी लेना पड़ता है। बिना दूसरे नंबर का हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप देखिए बुक में हम कैसे कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे एनी 3-digit number इज़ ग्रेटर दैन 1-digit or 2-digit। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, 1-digit का नंबर तो सिर्फ 1 1-digit का जो नंबर होता है वो सिर्फ 1 अंक का नंबर होता है।
वो जाहिर सी बात है 2 डिजिट से छोटा होगा, और 2 डिजिट का नंबर वो 3 डिजिट से छोटा हो चाहे होता है, मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो 3 डिजिट के नंबर से छोटा ही होता है। तो इस तो जब हम 3 डिजिट के नंबर को 1 और 2 डिजिट के नंबर से कंपेयर करते हैं तो वो छोटा रहता है, उसके अपेक्षा में 3 डिजिट का नंबर बड़ा होता है तुलना में। अब दूसरा स्टेप है, 2 डिजिट नंबर आर कंपेयर्ड बाय स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस वैल्यू ऑन द लेफ्ट। जैसा कि हमने आपको अभी बताया पहले जो हम बताए हैं प्लेस वैल्यू के जरिए, तो प्लेस वैल्यू तो हम इसी तरह से करते हैं, 100, 10 और 1s में लिख लेते हैं, पहले पोजीशन दे देते हैं उसके बाद उसका डिजिट वहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एक और एग्जांपल हम आप लोगों को बता देते हैं, देख लीजिए। लेट अस कंपेयर 136 एंड 162। यहाँ पे जो है हमने, जैसा कि हमने आपको बताया है, जब हम कंपेयर करेंगे किसी नंबर को तो एक दूसरा नंबर भी हमको लेना पड़ता है, नेक्स्ट नंबर लेना पड़ता है। तो यहाँ एक नंबर, फर्स्ट नंबर है 136 एंड नेक्स्ट नंबर है 162। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले हमने डिजिट लिखा है, फिर उसके नीचे हमने उसका पोजिशन यानी प्लेस वैल्यू शो किया है 100, 10s और 1s। फिर यहाँ पे हमने डिजिट लिखा है, फिर 100, 10s और 1s। 100, 10s और 1s के प्ले ऊपर जो नंबर है, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, इस नंबर को देखिए अंडरलाइन किया गया, मतलब 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर है, 10s के प्लेस पे कौन सा नंबर है और 1s के प्लेस पे कौन सा नंबर है। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर को भी किया गया। तो जैसा कि हम बताए हैं, कंपेयर जब हम करते हैं तो सिम्बॉल के जरिए हम कंपेयर करते हैं, किसी भी नंबर को जब हम कंपेयर करेंगे बच्चों तो उसके लिए हमें सिम्बॉल की हेल्प लेना पड़ता है, सिंबल का हेल्प लेना पड़ता है। देखिए 100 के प्लेस पे यहाँ पे 1 है और नेक्स्ट नंबर में भी 1 है, 10s के प्लेस पे यहाँ पे 3 है और नेक्स्ट नंबर में 6 है, 3 is less than 6। इसी तरह से पहले तो 10s वाले नंबर को हमने 100 एंड 10s वाले नंबर का कंपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयरिंग नंबर क्या है, 136 जो है 162 से छोटा है, लेस देन 136 is less than 162 और 162 is more than 136। तो इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करना सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर भी वैसे ही कंपेयर किया गया है, देखिए लेटेस्ट कंपेयर 168 एंड 162। अब यहाँ पे भी उसी तरह से पहले उसके 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 प्लेस को अंडरलाइन कर दिया गया, वो डिजिट को अंडरलाइन किया कर दिया गया, कौन से डिजिट कौन से प्लेस पे है। नेक्स्ट नंबर को भी वैसे ही किया गया, और फिर कंपेयर कैसे किया गया बच्चों, देखो 100 equals to 1 वन और वन दोनों जो 100 प्लेस का जो नंबर है वो इक्वल है, 10s प्लेस का जो नंबर है वो भी इक्वल है, 10s प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 10s प्लेस पे 6 है, 10s प्लेस का भी नंबर जो है वो इक्वल है, और 1s प्लेस के नंबर जो है उसको जो कंपेयर करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 है, तो 8 is more than 2, मतलब 8 2 से बड़ा होता है। इस तरह से हम नंबर को कंपेयर करना सीखते हैं। जब हम नंबर को कंपेयर करते हैं तो याद रहे, ज़रूरी नहीं है कि 100 के प्लेस पे जो नंबर है वो इक्वल हो गया तो 10s प्लेस पे नंबर इक्वल होगा, नहीं होगा। उसी तरह से अगर 10s प्लेस पे नंबर इक्वल्स हैं तो 1s प्लेस पे नंबर इक्वल्स होंगे, नहीं होंगे, नंबर चेंज हो सकते हैं, और इस तरह से हम उन्हें सिंबल के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा कंपेयरिंग 3 डिजिट नंबर। इसमें कोई प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम? चलिए इसे आप अच्छे से घर पे एक बार समझ लीजिएगा, और आइए यहाँ पे कुछ असाइनमेंट है, बुक में ही दिया गया है, आप बुक से इसको बना लीजिएगा। तो देखिए कैसे बनाइएगा इसे, जैसा कि हम बताए हैं पहले जो कंपेयर किए हैं हम, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम बनाएंगे। यहाँ पे है टिक द नंबर विच इज़ ग्रेटर, यहाँ पे जो बड़ा है और जो छोटा है उस नंबर को बोला है बनाने के लिए, तो यहाँ पे है टिक करने के लिए बोला गया है ग्रेटर नंबर को। तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, टिक द नंबर विच इज़ ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है उस नंबर को हमें टिक करना है, सही का चिन्ह देना है। तो यहाँ पे देखिए 63 है और 163 है, तो 63 और 163 में कौन सा नंबर बड़ा है, जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का नंबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है, तो यही नंबर बड़ा होगा, 163 ही बड़ा होगा, ग्रेटर है, तो इस नंबर में आप
टिक कर लीजिए को। नेक्स्ट नंबर है 146 एंड 150। अब इस दोनों में कौन बड़ा है इसे हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो जैसे हमने आपको बताया है अभी वैसे कंपेयर कर लेना कॉपी पे और उसके बाद इसमें बनाना है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पे सर्किल द नंबर विच इज़ स्मॉलर, यहाँ पे जो नंबर छोटा है स्मॉलर नंबर जो नंबर सबसे छोटा है नंबर उसको आपको टिक सर्किल करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 46 है और यहाँ पे 131 है, इसमें कौन सा नंबर छोटा है, 46 छोटा है, 46 को हम सर्किल कर देंगे ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से हमें इसको भी बनाना है। उसके बाद नंबर 3 है, कलर द नंबर्स बॉक्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ जो नंबर दिया गया है तो देखिए इस नंबर में जो नंबर सबसे बड़ा है उस नंबर को कलर करना है, कोई भी कलर से आप कलर कर सकते हैं। कैसे कलर करेंगे, तो पहले नंबर को कंपेयर कर लीजिएगा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। देखिए 182 185 187 183, तो इसमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे। और आप काउंटिंग के जरिए भी समझ सकते हैं 102 छोटा है, 102 से 183 बड़ा है, 183 से 185 बड़ा है और 185 से 187 बड़ा है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 187, इस नंबर को आप कलर कर लीजिएगा। इस तरह से इसको भी बना लीजिएगा। तो आज हमने कंपेयरिंग नंबर पढ़ा और थोड़ा सा हमने दिया है बस बनाने के लिए, ये बना लीजिएगा, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे।